बड़सर के विधायक इंद्र दत्त लखनपाल ने केंद्रीय बजट को सिरे से नकार दिया है। लखनपाल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पारित बजट में आम जनता की भलाई के लिए कोई भी उचित कदम नहीं उठाए गए हैं। लखनपाल ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा LIC और IDBI बैंक इत्यादि को निजी क्षेत्र में बेचना भी दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं हिमाचल को इस बजट में कुछ भी खास नहीं मिला है। बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने केंद्रीय बजट को सिरे से नकार दिया है। लखनपाल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पारित बजट में आम जनता की भलाई के लिए कोई उचित कदम नहीं उठाए गए हैं। लखनपाल ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा LIC, IDBI बैंक इत्यादि को निजी क्षेत्र को बेचना दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं हिमाचल के लिए भी बजट में कुछ नहीं दिया गया। बड़सर विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने केंद्रीय बजट के ऊपर प्रतिक्रिया करते हुए बोला कि हिमाचल के लिए इस बजट में झुनझुना मिला है। उन्होंने बोला कि केंद्र सरकार ने इस बार भी देश की जनता को छला है और भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है। सरकारी उपक्रमों को निजी क्षेत्रों में बेचना, जैसे LIC, IDBI जिसमें लोगों की पूंजी जमा है, उनको बेचना अति दुर्भाग्यपूर्ण है। टैक्स स्लैब में भी दो तरह के विकल्प आमजन को टैक्स पेड करने में भ्रमित करने वाले हैं। इस बजट का उद्देश्य केवल पूंजीपतियों को लाभ देने वाला है। हिमाचल की बात की जाए तो हिमाचल से 4 सांसद भाजपा से चुनकर गए हैं, वे भी हिमाचल की पैरवी करने में असफल रहे हैं। हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वायदा करने वाली सरकार इस बार भी दोबारा थक गई। युवाओं के रोजगार के लिए कोई भी महत्वपूर्ण योजना इस बजट में नहीं लाई गई। इस बजट को जो है, जो देश के जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने भी इसको नकारा है। कुछ अर्थशास्त्री हैं जो सरकार के पक्ष में न जाने किन कारणों से अपनी बात रखते हैं, वो वही इसके पक्ष में है। और आप देखिए कि जितने भी अर्थशास्त्रियों के बयान आए हैं और उनके ऊपर चर्चा आई है, वो सारे जो है इस बजट को नकारते सामने आ रहे हैं। उसके बारे में कोई सरकार का स्पष्टीकरण इस बजट में देखने को नहीं मिला है। तो यदि देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में भी और सरकारी संस्थानों में 2 लाख से अधिक नौकरी देने की सरकार बात कर रही है, जो एक समझ से परे की बात है। क्योंकि सरकारी क्षेत्र से जो रिटायरमेंट हो रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं कर्मचारी, उसकी जगह जो है सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है। एक तरफ तो सरकार LIC जैसे महत्वपूर्ण, IDBI जैसे महत्वपूर्ण जो हमारे लोगों की पैसा जो है, पूंजी जो जमा है, उनकी मेहनत की कमाई जो जमा है, उसके ऊपर डाका डाल रही है सरकार, और एक विचित्र सा संदेश देने की कोशिश कर रही है कि निजीकरण की तरफ जो इतनी तेजी से जो बढ़ रही है सरकार, वो केवल मात्र बड़े पूंजीपतियों को जो उसका लाभ देने का एक महज औपचारिकता पूरी कर रही है सरकार। तो इससे पूंजीवाद बढ़ेगा और जो हमारे मजदूर तबके के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके ऊपर और महंगाई की मार पड़ेगी। चाहे वो गैस के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे, इससे जो है महंगाई इतनी तेजी से बढ़ जाएगी कि आम जनता की कमर टूट जाएगी। तो सरकार ने जो है केवल चंद औद्योगिक ग्रहणों को जो है, बड़े उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए यह बजट बनाया है। तो इससे जो है आम जनता को कोई लाभ नहीं होगा, बेरोजगारों को कोई लाभ नहीं होगा, मजदूरों को कोई लाभ नहीं होगा, कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं होगा। तो ये पूरे पूर्ण जो है ये बजट, इसको हम नकारते हैं और इसकी हम निंदा करते हैं। कार्यक्रम में वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।